ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। खुदीराम भट्टाचार्य, जमीन से इनका थोड़ा बहुत ही आय हो पाता है और दो चार शिष्य या यजमान के घर पूजा पाठ करके खींच तान कर अपना घर चलाते हैं। भाद्र महीने के इस बारिश के मौसम में इनके और इनके जैसे गृहस्थ वाले लोगों को आधा पेट खाकर रहना पड़ता है। खुदीराम भट्टाचार्य के दो लड़के हैं, नेपाल और गोपाल। गोपाल छोटे वाला है। अरे गोपाल, बहुत तेज भूख लगी है, माँ को बोलना कुछ खाने को दे। मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूँ तो माँ डांटती है बहुत। हाँ, तुम ही बोलो। हाँ भाई, क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो? ज्योति बुआ के घर, माँ को बुलाने। अबे तुम्हारी माँ ज्योति बुआ के घर क्या कर रही है? आने वाले मंगलवार को तात नवमी है ना, बहुत लोग खाना खाएंगे, इसलिए मूंग दाल भूजने गई है। चलता हूँ भाई। ताल नवमी के दिन ज्योति बुआ को ताल की जरूरत पड़ सकती है। चल पूछ कर आते हैं। चलो भैया। गांव के पंचायत नटवर मुखोपाध्याय। बुआ, ओ बुआ। कुछ बोलोगे भी नेपाल? ताल चाहिए बुआ जी। हाँ, परसों ताल नवमी है, ताल की जरूरत तो पड़ेगी ही, पर एक पैसे के कितने? एक पैसे के तीन। अच्छा, तो कल आकर दे जाना। पर हाँ, ताल बड़ा और एकदम पका हुआ होना चाहिए। वो आप देख लेना, अभी मैं चलता हूँ। चलो भाई। भैया, तुम बुआ जी से ना ताल के पैसे मत लेना। क्यों भाई? देखना, पैसे नहीं लेंगे ना तो बुआ जी ना हमको ताल नवमी में निमंत्रण करेंगी। कितने दिनों से पेट भर कर नहीं खाया है, उस दिन हम दोनों भाई मिलके पेट भर के खाएंगे। ए, बेकार की बात मत करो, चुप रहो, चलो घर चलो पहले। लगता है भैया पैसे लेकर ही ताल देगा। उससे पहले ही मुझे सुबह सुबह उठकर ताल उठाकर बुआ जी को देकर आना होगा। जैसा कि होना था वैसा ही हुआ। सुबह सुबह उठकर गोपाल गया ताल उठाने। थोड़ी देर वहां पर इंतजार करने के बाद वहां से दो बड़े बड़े ताल उठाकर दौड़ गया ज्योति बुआ के घर की तरफ। बुआ जी, ये देखिए मैं ताल लाया हूँ। वाह, बड़ा अच्छा ये ताल तो। कितना पैसा देना पड़ेगा बोलो? एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए। अच्छा। अरे बुआ ने तो ताल नवमी के लिए निमंत्रण नहीं दिया, हो सकता है बाद में करें। ज्योति बुआ जी के घर से कब निमंत्रण आएगा, इसी चिंता में गोपाल का पूरा दिन कट गया।
शाम को जब नेपाल ने आकर गोपाल को देखा, फिर उसको पकड़ा और समझाया। आज सुबह तुमने ज्योति बुआ जी को ताल दिया है क्या? हाँ। तो तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? पैसे नहीं लिए ना, अब देखना बुआ जी हमें निमंत्रण भेजेंगी। बैठ पागल, जिनको आमंत्रित करना होता है वो वैसे ही कर देते हैं। अगर तुमने पैसे लिए होते ना तो कम से कम इस वक्त थोड़े से मुरमुरे तो खा ही लेते हम लोग। देखते ही देखते अगले दिन की दोपहर आ गई। उनके घर के सामने से गांव के बहुत से लोग गए ज्योति बुआ के घर ताल नवमी के आमंत्रण पर खाना खाने। जब पूरे दिन बीत गया तब गोपाल के आंखों में आंसू भर आए। शायद संसार का ऐसा अविचार देखकर ये रास्ता कब से देखे जा रहा था, पर यहां से सिर्फ लोग जा सकते थे, अतः और कोई भी नहीं।